ਅੱਗੇ ਕਰ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे पिछले 27 घंटे से काजीकुंड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामने फंसा हुआ हूँ, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं हमारे आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि रामबन के आसपास जो एक पहाड़ है वो पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो चुका है। रोड के बीच में पूरा जो नेशनल हाईवे 44 है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। नेशनल हाईवे 44 ब्लॉक होने की वजह से कुछ लोकल्स अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलर्स भूख से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और इस एरिया में होटल्स या खाने पीने की कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। 6 किलोमीटर तक का जो पीछे पूरा टोटल जाम लगा हुआ है, हमारी गाड़ी जो है पीछे कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे लगी हुई। मैं यहाँ से चल के आया हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पे आके फंस चुके हैं जाम में। मेरी अभी बात हो रही थी, बिहार के लोग यहाँ पे हैं, गुजरात के लोग यहाँ पे हैं और यूपी लखनऊ के लोगों से मेरी बात हो चुकी है। ट्रक ड्राइवर जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड स्टॉक पड़ा होता है अपने पास खाने पीने का। एक ट्रक ड्राइवर से मेरी बातचीत होती है जो मुझे इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि लोडेड ट्रक को ज़्यादा देर तक खड़े रखने से किस किस चीज़ का नुकसान हो सकता है। ऊपर से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर ठंड पड़ रही है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के आसपास है, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का माहौल बना हुआ है। देख सकते हो मेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो सबके सब ट्रैवलर्स हैं, काफ़ी दूर दूर से किसी की फ़्लाइट मिस हो रही है, किसी की ट्रेन मिस हो रही है, लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस पूरे के पूरे जाम में। ट्रैफिक वालों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है 5 बजे तक जो है जाम ये क्लियर हो सकता है। लेट्स सी क्या बनता है। बस डरना मत, तो नहीं कटेगा। ये पैट भी बेचारा भूख से परेशान हो गया, ये भी तलाश कर रहा है कुछ खाने। हाँ गाइज, यहाँ पे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है काजीकुंड से कि जम्मू जो है यहाँ से ऑलमोस्ट कितना है, जम्मू यहाँ से 223 किलोमीटर है। यहाँ से जो कश्मीर है वो बैक साइड हमें पड़ता है कितना, कम से कम 70 या 80 के ऑलमोस्ट इसी के करीब हमें पड़ता है। अब देखिए ना, ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से हम ना आगे जा सकते हैं ना ही पीछे। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो इस पूरे जाम में किसी का भला हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग जो है लोकल्स अपनी दुकान ला रहे हैं, कुछ लोग केसर बेच रहे हैं, कुछ लोग अखरोट बेच रहे हैं, कुछ लोग अपने मूंगफली से अपना रोजगार बढ़ा। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं थोड़ी देर आगे चलने के बाद मेरे को मालूम पड़ा है कि जम्मू से गाड़ियाँ उन्होंने छोड़ दी और काफ़ी ज़्यादा टैक्सीज जो हैं यहाँ पे जो हमारी लोकेशन है वहाँ पे पहुँच रही हैं। लेट्स सी कि कब तक हमें भी फ्री किया जाता है इस जाम पे। अभी मैं पहले वीडियो बना रहा था वहाँ से कम 2 किलोमीटर चलने के बाद, अब मेरे को फाइनली मेरी कार मिली है वहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। एट द लास्ट यहाँ से पूरा का पूरा ट्रैफिक रिलीज कर दिया जाता है जम्मू के लिए।